नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एसआर स्टॉक्स। मैं एसआर आज आप लोग के लिए दो ऐसा स्टॉक लेके आया हूँ जो स्टॉक कोविड का लॉकडाउन पूरी तरह से खुलने से बहुत तेज़ी आ सकती है। अगर हम कंपनी का डिटेल्स देखें तो कंपनी का नाम है PVR लिमिटेड। कंपनी एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का कंपनी है और कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर अजय बिजली जी हैं। उनके पिताजी ने 1997 में इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। कंपनी के पास करीब 845 स्क्रीन है और 71 सिटीज़ में कंपनी का प्रेजेंस है, ऑल्सो इन श्रीलंका। कंपनी इंडिया का सबसे बड़ा फिल्म एग्जीबिशन कंपनी है। कंपनी का रेवेन्यू करीब 52% का रेवेन्यू मूवी टिकट से आता है, 28% का रेवेन्यू फूड एंड बेवरेज से आता है, 11% का रेवेन्यू एडवर्टाइजमेंट से आता है, 5% का कन्वेंशन फी से आता है, 4% डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस से आता है। कंपनी ने एक एक्विजिशन किया था SPI सिनेमास प्राइवेट लिमिटेड को फाइनेंशियल 2019 में। 72% स्टेक के लिए SPI सिनेमास को करीब 635 करोड़ का पेमेंट भी किया गया था। PVR का अगर हम मार्केट शेयर देखें फिल्म सेगमेंट में, PVR का 32% का मार्केट शेयर हॉलीवुड सेगमेंट में है, 24% मार्केट शेयर हिंदी सेगमेंट में है। PVR का ओवरऑल मार्केट शेयर करीब 20% का और PVR के पास इंडिया का 28% का स्क्रीन है। ऑक्यूपेंसी रेट करीब 30-35% है फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स। श्रीलंका में भी कंपनी अपना बिजनेस शुरू करने जा रही है। PVR का मार्केट कैप करीब 8,428 करोड़ का है, करंट प्राइस करीब 1,387 का है। कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों अभी नेगेटिव में है। अगर PVR का लास्ट 3 मंथ का ग्रोथ देखें तो करीब 13% का ग्रोथ है, लास्ट 6 मंथ का ग्रोथ करीब 6% का है। अगर हम PVR का इनकम स्टेटमेंट देखें तो इनकम स्टेटमेंट में टोटल रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2018 में करीब 2,365 करोड़ का था और फाइनेंशियल ईयर 2019 में 3,100 करोड़ का था और फाइनेंशियल ईयर 2020 में 3,452 करोड़ का था और फाइनेंशियल 2021 में करीब 750 करोड़ का। हम कंपनी का EBITDA देखें तो EBITDA फाइनेंशियल ईयर 2018 में 431 करोड़ का था और फाइनेंशियल ईयर 2020 में करीब 1,113 करोड़ का हो गया था। कोविड के लॉकडाउन के वजह से फाइनेंशियल ईयर 2021 में EBITDA बहुत गिरा हुआ। अगर हम एनालिस्ट के टारगेट देखें तो एनालिस्ट का टारगेट 1 ईयर में करीब 65% का है। अगर आप लोग PVR को 2 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं, आपको करीब 5 गुना का रिटर्न मिल सकता है। मेरे लिस्ट में जो दूसरा कंपनी है, दूसरा कंपनी का नाम आयोनक्स है। आयोनक्स भी एक फिल्म इंडस्ट्री का सेक्टर का स्टॉक है और आयोनक्स का CEO अभी आलोक टंडन जी हैं और आयोनक्स ने 1999 में बिजनेस शुरू किया था। यस, इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट मल्टीप्लेक्स है। आयोनक्स गुजरात फोर्टिफिकेशंस का एक सब्सिडरीज कंपनी है। आयोनक्स के पास 68 सिटीज़ में करीब 147 मल्टीप्लेक्सेस है और आयोनक्स का सीटिंग कैपेसिटी करीब 1,44,000 का है। आयोनक्स का सबसे ज़्यादा स्क्रीन वेस्ट रीजन में है जो कि करीब 40% का है और नॉर्थ में 24%, साउथ में 22% और ईस्ट में 14%। आयोनक्स के पास इंडिया का 20% मल्टीप्लेक्स स्क्रीन है। आयोनक्स का 58% रेवेन्यू मूवी टिकट से, 26% रेवेन्यू फूड एंड बेवरेज से और एडवर्टाइजमेंट से 9% का रेवेन्यू आता है। एक्विजिशन 2007 में कोलकाता सिनेमा, फेम सिनेमा 2011, सत्यम सिनेप्लेक्स 2014। आयोनक्स का अगर हम फाइनेंशियल डिटेल्स देखें तो फाइनेंशियल में आयोनक्स का मार्केट कैप करीब 3,852 करोड़ का है और करंट प्राइस करीब 315 का और हाई करीब 359 और लो 220 का है। अगर हम स्टॉक का ROCE और ROE देखें तो दोनों अभी नेगेटिव में है क्योंकि अभी सारे के सारे सिनेमा हॉल्स बंद है। जब भी ये सब खुलेगा तो कंपनी में बहुत तेज़ी आ सकती है। आप लोग मेरे स्क्रीन में देख सकते हैं कि PVR का नेट इनकम कितना गिरा हुआ है। अभी अगर लॉकडाउन खुलता है तो इसमें भारी तेज़ी आ सकती है। अगर हम एनालिस्ट रेटिंग देखें तो PVR के ऊपर रेटिंग करीब 74% का ऑफसाइड पोटेंशियल अभी भी आयोनक्स के ऊपर है। अगर हम इस स्टॉक को 2 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं, इस स्टॉक में हमको करीब 5 गुना का प्रॉफिट यानी कि 500% का रिटर्न मिल सकता है।